सहोदरा गांव में मात्र एवं शिशु परिवार कल्याण उपकेंद्र और आयुष्मान भारत जीएचओ कमेटी के सामने काफी समय से पानी जमा हुआ, जिस कारण परिवार कल्याण उपकेंद्र में आने वाली महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में जो है बाहर से मरीज आते हैं टीकाकरण के लिए, महिलाएं आती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हम लोग आते हैं, हमें भी रास्ते की काफ़ी परेशानी है, तो चारों तरफ पानी भरा रहता है, हम उसे पानी में निकल के आते हैं, परेशानियाँ होती है यहाँ पर आना है। तो इसमें इतना ये क्या कहते हैं बीमारियाँ हो, सारा बीमारियों से मच्छर पैदा होते हैं, सारे बीमारियाँ फैलती हैं गाँव में, इतना डेंगू फैला हुआ, वो फैला हुआ, सब इसका तो सुधार होना चाहिए। विभाग में मैंने कह रखी है सर, विभाग को पता है यहाँ पर सारा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अधीक्षक साहब भी आए थे पहले हमारे, उनसे भी सारा मैंने इसका बोला है कि यहाँ पर पानी भरा है ऐसा। वो बीपीएम सर आए थे, अधीक्षक सर आए थे, वो भी सारा देख के गए यहाँ पर। और हमारी शेमू मैडम भी आई थी पिछले बरसात में, उनने भी देखा, वो भी यही पानी में निकल के आई थी, पानी भरा था जब सब यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे गाय भैंस वगैरह आकर गंदगी करते हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे कूड़ा भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोग, इसी में ही गंदगी फेंकते हैं जिससे और ज़्यादा बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं। और बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है, पूरे एरिया में पानी भर जाता है, इस वजह से जो गाँव की महिलाएँ हैं वो यहाँ का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं, एनएम सेंटर बैठती थी मैं।